Like the starter itself is so filling. I had dumplings, now I'm having noodles. Pineapple barbecue, and it's, to be honest, it's the first time, and it's, yeah, very good. Like being a vegetarian, I like everything, whatever I've taken from here. And we have a lot of options for the chaats and even the desserts. So I'm really excited to try the desserts. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फाइव स्टार होटल में स्ट्रीट फूड कैसा होता है। सो ये देखिए, यहाँ पे पूरे का पूरा लाइव चाट का सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले मुझे दिख रही है पानी पूरी। ये देखिए, इसमें हमें थ्री डिफरेंट टाइप का पानी मिल रहा है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सो भैया, आपके पास यहाँ पे चाट में क्या क्या ऑप्शन है? पालक पत्ता है, दही बल्ला है, पापड़ी चाट है, अनाज कचौड़ी है। वाह भाई वाह, आप एक काम कीजिए, हमारे लगा दीजिए एकदम बढ़िया से पालक पत्ता चाट, ठीक है? उसके बाद में लगाएगा राज कचौरी, ठीक है भैया? और जो जो डालो बताते जाओ भैया, क्या क्या डाल रहे हो? नमकीन डाला। वाओ, ये आ गया पालक पत्ता के साथ में नमकीन, ये आ गया मीठा मीठा दही, ये मीठा चटनी। वाओ, ये आ गया खजूर इमली का चटनी, तीखा चटनी। ये आ गया स्पाइसी वाला धनिया फुदीने का चटनी। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है भाई। तो दोस्तों, यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारी पालक पत्ता चाट। अब भैया लगा दीजिए हमारे एकदम बढ़िया से राज कचौरी, ठीक है? सो यहाँ पे लगने जा रही है हमारी राज कचौरी। ये जो राज कचौरी है वो आपको सुनने में आम लगेगी, पर ये आम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये है फाइव स्टार होटल की प्रीमियम चाट डिश। हैव अ लुक, यहाँ पे सब चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन है, और जो यहाँ पे चाट डिश प्रिपेयर की जाती है वो हमारी आँखों के सामने बनी जाती है। वाओ, ये आ गया दही, यहाँ पे सब कुछ डेली फ्रेश बनाया जाता है। ये आ गया मीठा चटनी, वाओ अब आएगा ना असली मज़ा। ये आ गया तीखा चटनी, वाह भाई वाह। सो ये तैयार हो चुकी है राज कचौरी, वाह भाई वाह, क्या बात है। और भैया इसके अंदर क्या है? वाओ, जरा दिखा दीजिए हमें। इसके अंदर है गर्मा गर्म भुट्टा, वाह भाई वाह। आए दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चार डिश में खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सो भैया बताइए क्या है यहाँ पे? रगड़ा पे डिश है इसमें। जी जी, ये गर्मा गर्म रगड़ा है हमारा। ये आ गया गर्मा गर्म रगड़ा, इसके बाद पेटिस हमने रखा। वाह भाई वाह, जो कि बनाई जाती है शुद्ध देसी घी में से। ग्रीन चटनी है, ये आ गई ग्रीन चटनी, स्वीट चटनी। इसके बाद में ये प्याज टमाटर फिर मसाला है, अपना देसी मसाला बना हुआ हमने। उसके बाद में मीट गाजर का लच्छा, ये अपने रगड़ा पेटिस रेडी है। वाह भाई वाह, ये देखिए, ये हो चुकी है अमूल के देसी घी में से बनी हुई रगड़ा पेटिस। वाह भाई वाह, और क्या है सेफ आपके पास में? सूर्य दाल है, दिखाइए दिखाइए। सूर्य की दाल बेसिकली कहाँ की डिश है? हरिद्वार की डिश है। हरिद्वार की डिश है, वाह भाई वाह। तो दोस्तों, हरिद्वार का स्वाद हमें सूरत में मिल रहा है। ये अपना प्याज डाला, मिर्ची, इसमें बटर डाला है, क्या बात है। मसूर मसाला है, ये मसाला पूरा, ये लेमन है, लेमन, ये इमली का इमली इमली डाला है। इसके बाद में हमने अदरक और धनिया डाला, ये अपना हरिद्वार की दाल हो गई सूर्य दाल। ये देखिए, ये है हरिद्वार की सूरजा दाल, वाह भाई वाह। और क्या है सेफ आपके पास में? ये हमारे बना रहे। दोस्तों, ये है पराठे का सेक्शन, यहाँ पे हमें मिलेंगे चांदनी चौक के मसूर पराठे। तो सेफ लगाइए एकदम बढ़िया से। ये देखिए, यहाँ पे पराठे प्रिपेयर किए जा रहे हैं। स्टफिंग में क्या क्या रहता है सेफ? आप अलग अलग कर सकते हो, आलू का, मूली का, प्याज का। जी जी, सोयाबीन का चंक्स हुआ था, क्रस्ट आता है। जी 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 जी, अभी हिसाब से फ्लेवर डाल सकते हो। अभी ये कौन सा बन रहा है? ये आलू का पराठा बन रहा है। आलू का बन रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे सेफ ने हमारे लिए बढ़िया से पराठा बेल दिया है, उसके अंदर ढेर सारा आलू का स्टफिंग भी आ चुका है। और ये देखिए, यहाँ पे बनने वाला है दिल्ली का मसूर चांदनी चौक वाला पराठा, वाह भाई वाह। और ये जो पराठा बनने का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि इसकी जो कुकरी रहती है वो भी कुछ खास है। स्पेशल आगरा का तवा है। क्या बात कर रहे हो, ये है स्पेशल आगरा का तवा, उसके अंदर बनेगा चांदनी चौक का मसूर पराठा, वाह भाई वाह। अब आएगा ना असली मज़ा। ये देखिए भाई, क्या कारीगरी है। एक ही जगह पे हमें कई डिफरेंट टाइप के स्ट्रीट फूड मिल रहे हैं। दिल्ली का स्ट्रीट फूड है, हरिद्वार का स्ट्रीट फूड है, मथुरा का स्ट्रीट फूड है, वाह भाई वाह। यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट। आप जहाँ का स्ट्रीट फूड बोलोगे वो आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ के जो सारे सेफ है वो हमारे लिए एकदम बढ़िया से बढ़िया चाट डिश प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे पानी पूरी से लेके पराठा मिलेगा, आलू टिक्की मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने ही नहीं, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर फिलहाल के लिए हम पराठे पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पराठा है वो खाने के लिए रेडी होने वाला है। सेफ कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? इसको
4 से 5 मिनट लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। शेफ बताइए आप यहाँ पे क्या बना रहे हो? ये बना रहे हैं सर साधारण रोटी। क्या बात कर रहे हो, साधारण रोटी? जी सर। ये बेसिकली कहाँ की डिश है? ये साबुतारा डांग साइड की आपने। वाओ वंडरफुल। इसमें हमने रागी, ज्वार, बाजरा, मकई और चना दाल, मूंग दाल, राइस वगैरह सब उसका ये सब बैटर बना रखा है। इसके जैसे डोसे का बनता है। वाओ। इसमें हमने जो इंडियन मसाला यूज किया है, अपना किचन किंग हो गया, जीरा हो गया। वाह भाई वाह। हो गया। दोस्तों ये जो डिश बन रही है वो मैं ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कभी कोई ऐसी स्ट्रीट फूड खाई है, अगर हाँ तो कहाँ पे खाई थी वो भी बताएगा। दोस्तों यहाँ पे लाइव बारबेक्यू का सेक्शन जिसमें पनीर टिक्का है, पाइनएप्पल टिक्का है, आलू टिक्का है और ये देखिए यहाँ पे ब्रोकोली भी है। वाह भाई वाह। ये आ गया ऊपर से हल्का सा बटर, ये आ गया धनिया। वाह भाई वाह। तो दोस्तों ये देखिए ये है 5-स्टार होटल का एकदम प्रीमियम वाला स्ट्रीट फूड। ये हो गया बारबेक्यू खाने के लिए तैयार। वाह भाई वाह। इस तरफ देखिए यहाँ पे हमारा पराठा बन रहा है और इस तरफ भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइव पकाई जा रही है। दिल्ली के चांदनी चौक के पराठे में अगर घी ना आए तो उसका जो स्वाद है वो थोड़ा अधूरा लगता है, तो इसीलिए 5-स्टार होटल के स्ट्रीट फूड में घी डालने में कोई कसर नहीं रखी है। ये देखिए एक ही पराठे के अंदर 8 से 10 बार घी का यूज़ किया जा रहा है। ये हो गया पराठा खाने के लिए तैयार। वाह भाई वाह। दोस्तों जो चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ आ चुकी है। आई मैं आपको दिखाता हूँ गुजराती फूड का सेक्शन। यहाँ पे सूप है, इस तरफ वेलकम ड्रिंक है जिसमें हमें 2 डिफरेंट टाइप के फ्लेवर मिल रहे हैं। ये है कोकम का शरबत, साथ में यहाँ पे ब्लू लगून मॉकटेल भी है। हैव अ लुक, प्रेजेंटेशन काफ़ी कमल का है। वाह भाई वाह। यहाँ पे मॉकटेल भी अनलिमिटेड है, मेन कोर्स भी अनलिमिटेड है, साथ में स्टार्टर जो है वो भी अनलिमिटेड है। ये देखिए ये है मेरा आपका हम सब का फेवरेट सुरती ग्रीन उंधियू। फिर इसके साथ में यहाँ पे मेथी बटाका का साग। इस तरफ देखिए यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप की सब्जी है। ये है सेव टमाटर की सब्जी, साथ में यहाँ पे कंडोला का साग है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है मूंग दाल की खिचड़ी और साथ में गुजराती कढ़ी। वाह भाई वाह। ये हो गया हमारा गुजराती खाना। इसके साथ में यहाँ पे फरसान में मिल रहा है पात्रा। वाह भाई वाह। ये देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के पापड़ की वैरायटी है। सो दोस्तों इतनी सब चीज़ दिखाने के बाद में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5-स्टार होटल का डेजर्ट का सेक्शन। ये देखिए यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप के देश विदेश के बढ़िया से बढ़िया डेजर्ट का स्प्रेड लगा हुआ है। हैव अ लुक। ये है मावा केक। इस तरफ देखिए यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप की पेस्ट्री है। हैव अ लुक। ये है बिस्कॉप सेल। इस तरफ है वाइट फॉरेस्ट केक। वाह भाई वाह। यहाँ पे काफ़ी सारी नई और यूनिक डिफरेंट टाइप की पेस्ट्री लगाई गई है, केक है। और ये देखिए यहाँ पे 360 डेजर्ट का बूफे लगाया गया है। आपकी जहाँ नज़र पहुँचेगी वहाँ आपको डेजर्ट ही डेजर्ट दिखेगी। ये है उमली। यहाँ पे मैंगो केक है। इस तरफ देखिए यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का डेजर्ट है। हैव अ लुक। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ओरियो फज। वाह भाई वाह। फिर ये देखिए ये है बैन ऑफ मूस। फिर इस तरफ यहाँ पे ब्लूबेरी फ्लेवर का डेजर्ट जो कि काफ़ी डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे है टार्ट, इसके साथ में यहाँ पे नटेला टार्ट। वाह भाई वाह। ये तो दिखने में इतना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं इसका जो टेस्ट है गेस कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है वो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। ये हमने आपको दिखा दिया डेजर्ट का बूफे काउंटर। इस तरफ लाइव डेजर्ट प्रिपेयर किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे शुद्ध देसी घी में इमरती बनाई जा रही है। वाह भाई वाह। हैव अ लुक। सो ये देखिए यहाँ पे हमारी इमरती रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर आएगी एकदम मस्त ड्राई फ्रूट वाली रबड़ी। ये देखिए इसके साथ में यहाँ पे कई डेजर्ट और भी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कोकोनट टेंगो। वाह भाई वाह। जो कि कुल्हड़ में सर्व किया जाता है। इस तरफ है गुड़ का रसगुल्ला। आज का हमारा डिनर काफ़ी मज़ेदार रहा। दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह मानसून फूड फेस्टिवल में आना चाहते हो तो ये देखिए ये है यहाँ का मेन्यू जिसकी प्राइस रहती है 1300 रुपये। और दोस्तों ये जगह लोकेटेड है डुमस रोड, ले मेरिडन, सूरत।